हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। पिछला सेशन जो हमारा था वो एपिकल्चर पे था और आज हम पढ़ने वाले हैं सेरिकल्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ एपिकल्चर पढ़ने के बाद आपको आपकी हनी मिल गई होगी। आई मीन टू से शहद वाली हनी, कोई और हनी मत समझिएगा। मैं कहना चाहता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपने वहां पे स्टडी किए होंगे क्लास के अंदर, साथ साथ मैंने उसके नोट्स और क्विज भी शेयर की थी, आपने होपफुली वो भी अटेम्प्ट किया होगा। तो अगर कर लिया है तो अब रेडी है हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सटाइल की क्वीन को। आप बोलेंगे सर क्वीन होती है, किंग कौन होता है? ऐसा जी, क्वीन सिंगल रहना ही पसंद करती है, किंग हाल फिलहाल नहीं है। तो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल किसे बोला जाता है? सिल्क को बोला जाता है। एंड यस, सिल्क जो है वो सेरिकल्चर में पाले जाने वाले सिल्क वॉर्म से मिलता है। आज हम उसी की स्टडी को पढ़ने वाले हैं। मेन पॉइंट यहां पे बनते हैं कौन कौन से टाइप के सिल्क वॉर्म होते हैं, किस पे वो रियर किए जाते हैं, उसके अलावा कुछ एक स्पेसिफिक बातें जैसे सिल्क प्रोटीन क्या होता है, वीविंग क्या होता है, रिलिंग क्या होता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड इवन अगर आप एपिकल्चर और सेरिकल्चर को देखेंगे तो मैंने आपको बताया था 2020 के अंदर एपिकल्चर से दो क्वेश्चन, 21 और 22 के अंदर सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है। बट सेरिकल्चर तो एपिकल्चर से भी ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एग्जाम का। सेरिकल्चर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड अगले 30-35 मिनट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम सारी यहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल की बात करते हैं। भाई ध्यान रखना, अगर एलिगेंस वर्ड यूज किया जाए, लग्जरी वर्ड यूज किया जाए तो कॉटन के लिए यूज मत करना, बिकॉज कॉटन अपने आप में इंपॉर्टेंट कमर्शियल फाइबर तो है, लेकिन कॉटन के लिए आप लग्जरी वर्ड नहीं बोल सकते हो, है ना? क्योंकि देखो ये मैंने जो पहना हुआ है कॉटन का बना है, अब क्या ये लग्जरी फील हो रहा है? नहीं भाई साहब, ये तो देसी सा फील हो रहा है। तो टेक्सटाइल की बात जब करेंगे, क्वीन इसीलिए उसे बोला जाता है सिल्क को, बिकॉज वो अपने आप में लग्जरी है, एलिगेंट है, सुपीरियर है। लेकिन इंपॉर्टेंट फाइबर की बात करेंगे तो फिर वो कॉटन है, और अगर गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो फिर वो कौन है? यस, गोल्डन फाइबर की बात करेंगे तो जूट है, सिल्वर फाइबर की बात करेंगे तो आपका क्या है? कॉटन है, और क्वीन ऑफ टेक्सटाइल की बात करेंगे तो सिल्क है। सो सेरिकल्चर का मतलब तो आपको पता ही है, ब्रीडिंग करना और मैनेजमेंट करना। किसका? सिल्क वॉर्म का। ब्रीडिंग मतलब उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना, हम दो हमारे 50-60 सिल्क वॉर्म ऐसा कह रहे हैं ना, तो वो हो गया उनकी ब्रीडिंग। मैनेजमेंट उनको पालना, मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। सो मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। तो सिल्क के उत्पादन के लिए सिल्क वर्म को पालना, रेशम के कीड़ों को पालना, उसे क्या बोला जाएगा? सेरिकल्चर बोला जाएगा। अब सिल्क की अगर बात करेंगे तो बोला गया केमिकली, अगर उस सिल्क की बात करेंगे जो सिल्क मिलता है आपको सिल्क वर्म से, केमिकली स्पीकिंग सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। दो प्रोटीन होती है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती है, बट आपको अगर पता है तो चैट में लिख के बताइए दो प्रोटीन कौन कौन सी होती है। अच्छा मैं आपकी हेल्प करता हूं, एक प्रोटीन तो होती है सेरिसिन, जहां से क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन सेरिसिन के अलावा एक और प्रोटीन कौन सा होता है जो इन्वॉल्व होता है सिल्क के अंदर, उसका नाम मुझे बताइए, मैं आगे बताऊंगा आपको उसका नाम। सो बोला केमिकली स्पीकिंग सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सीक्रेटेड इन द फ्लूड बाय अ कैटरपिलर पॉपुलरली नोन एज सिल्क वॉर्म, जिसे सिल्क वॉर्म कहा जाता है। आपने सेरिसिन के अलावा जो प्रोटीन का नाम लिखा वो लिखा आपने फाइब्रोइन, या फिर उसे फिब्रोलिन भी कहा जाता है, बट फाइब्रोइन इज द एक्चुअल वर्ड। फिब्रोइन या फाइब्रोइन और सेरिसिन दो प्रोटीन है जो पाई जाती है आपके सिल्क के अंदर, फाइबर के अंदर। उसके बाद बात अगर करेंगे सिल्क वॉर्म की, तो ये अपनी लाइफ साइकिल को 4 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट करता है। उसमें एग आ जाता है, कैटरपिलर आता है, प्यूपा आता है, और फिर क्या आ जाता है? मोथ आ जाता है। इन चारों में से एक स्टेज ऐसी होती है जिस स्टेज के अंदर वो क्या करता है, अपने ऊपर प्रोटेक्टिव शेल को बनाता है, प्रोटेक्टिव शेल को बनाता है। उसी स्टेज के अंदर वो आपको सिल्क प्रोडक्शन करके देता है। आप जानते हैं वो स्टेज कौन सी होती है? ऑफकोर्स आप समझदार लोग हैं, एग तो हो नहीं सकती, कैटरपिलर हो नहीं सकती, यस प्यूपा स्टेज में आके वो क्या करता है, अपने ऊपर कोकून कर बनाता है। उस कोकून के ऊपर से हम क्या ले लेते हैं? हम सिल्क को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बोला गया मैन, हम जो पालने वाले लोग हैं, मैन इंटरफेयर करता है इस लाइफ साइकिल में एट कोकून स्टेज टू ऑब्टेन द सिल्क। सिल्क को लेने के लिए हम कहां पे? कोकून स्टेज में, और कोकून का बात है जब प्यूपा बन जाता है। अ कंटीन्यूअस फिलामेंट ऑफ द कमर्शियल इंपोर्टेंस यूज्ड इन वीविंग ऑफ दिस फैब्रिक। तो इस फैब्रिक की वीविंग के लिए क्या किया जाता है? अलग करने के लिए, जैसा पीछे फोटो में देख पा रहे हैं फैब्रिक की वीविंग, अभी तो खैर कपड़ा बनाया जा रहा है, वीविंग का मतलब हो गया वो जो इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए यूज किया जा रहा है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क।
ऑफ कोर्स इंडिया सेकंड है, तो इंडिया से बड़ा नेशन जो पॉपुलेशन वाइज बड़ा है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर है, सो चाइना हैज द फर्स्ट रैंक, इंडिया का रैंक सेकंड है उसके बाद, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द सिल्क इन द वर्ल्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। और इंडिया के अंदर बात करेंगे तो जो फर्स्ट रैंक है प्रोडक्शन का, सिल्क प्रोडक्शन का, वो किसके पास है, कर्नाटका के पास है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ सिल्क वर्म की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं सिल्क वर्म के, सिल्क वर्म के टाइप की बात करेंगे तो मेजरली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बट पॉसिबली आपने फोर ना पढ़ के फाइव पार्ट्स भी पढ़े हो सकते हैं। फाइव कैसे बताता हूं, देखो फोर पार्ट्स के अंदर सिल्क वर्म के चार टाइप के अंदर आ गया, मलबेरी सिल्क वर्म, ओक तसर एंड ट्रॉपिकल तसर, मूगा एंड एरी, ये हो गए चार। लेकिन अगर आप ओक और ट्रॉपिकल तसर को अलग अलग मान लेंगे तो फिर पांच हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चार भी कह सकते हो, पांच भी कह सकते हो, बिकॉज नाम आपको याद रखने हैं, आपको याद हो भी गए होंगे, मलबेरी होता है, ओक तसर होता है, ट्रॉपिकल तसर होता है, मूगा होता है और एरी होता है। सो दीज आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म। इस पांच टाइम में से सबसे ज्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन करता है वो भाई साहब कौन सा करता है, मलबेरी सिल्क वर्म। अब आपको डाउट ये भी होना चाहिए कि सर है तो सिल्क वर्म ही, सबके अलग अलग नाम क्यों हैं, तो आपको पता ही है मलबेरी सिल्क वर्म जिसे बॉम्बेक्स मोराई भी कहा जाता है, ये अपने आप में मलबेरी सिल्क वर्म के नाम से क्यों जाना जाता है, बिकॉज सेरिकल्चर सिल्क वर्म को पालना होता है, जबकि एक और कल्चर होता है जिसका नाम होता है मोरी कल्चर। क्या आप मुझे चैट के अंदर फटाफट से बता देंगे कि मोरी कल्चर का मतलब क्या होता है, सेरिकल्चर तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म है, एंड ध्यान रखना मैं मैरी कल्चर की बात नहीं कर रहा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, वो तो मैरी कल्चर में आते हैं, मैं बात कर रहा हूं मोरी कल्चर की, एंड आई नो आपने लिख दिया, ऑफकोर्स आप सारे सही लिख रहे हैं, मोरी कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन ऑफ मलबरी। मलबरी क्या होता है सर, अरे शहतूत का प्लांट यार, शहतूत के पौधे लगाना, उसे क्या बोला जाता है, उसे मोरी कल्चर कहा जाता है, और सिल्क वर्म को पालना उसे क्या बोला जाता है, सेरिकल्चर कहा जाता है। तो जो आपका मलबेरी सिल्क वर्म है वो मलबरी की पत्तियां खाता है, शहतूत की पत्तियां खाता है, इसीलिए उसे मलबेरी सिल्क वर्म बोल दिया जाता है। इन सारे सिल्क में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा जो सिल्क प्रोडक्शन में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, ऑफकोर्स वो मलबेरी सिल्क वर्म का ही है। ओके, और एक इसमें से ऐसा है जिसे प्राइड ऑफ आसाम भी कहा जाता है, वो प्रेरोगेटिव है किसका, इंडिया का, प्रेरोगेटिव मतलब वो इंडिया की अपनी पहचान है, उसमें हम क्या है, यूनिक है, हमारे पास वो है, एंड ऑफ कोर्स आपने सही आंसर लिखा है, इसे प्राइड ऑफ आसाम यानी जो मूगा है उसे क्या बोला जाता है, प्राइड ऑफ आसाम भी कहा जाता है। तो मलबेरी, ओक तसर, ट्रॉपिकल तसर, मूगा और एरी आ गया। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल फोर वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क, मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड एरी सिल्क। अब तसर एक ही बोला, देखो यहां पे तसर को दो नाम बोले कैसे, तो पांच हो गया था, वरना चार टाइप है। द तसर, एरी एंड मूगा सिल्क आर नॉन मलबरी सिल्क, बिकॉज मलबरी सिल्क कौन सा है, मलबरी तो मलबरी सिल्क वो वाला है, बाकी बचे हुए क्या हो गए, नॉन मलबरी। तो इसको छोड़ के तीन बच गए, कौन कौन से, तसर, एरी और मूगा, ये है नॉन मलबरी सिल्क, विच आर वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड मतलब वन्य है, ये वन्य का मतलब जो जंगलों में होते हैं, पाला नहीं जा सकता, बिकॉज एक होता है डोमेस्टिकेटेड, एक कौन से होते हैं जिन्हें डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, वाइल्ड होते हैं, जैसे लोयन की बात करो, क्या लोयन को घर में पाल सकते हो, ऑफकोर्स नो, है ना। अब ये मत कहना कि दुबई के शेख हैं उन्होंने पाल रखे हैं, वो भाई बहुत पैसे वाले लोग हैं, पैसा कुछ भी कर सकता है ना, लेकिन फिलहाल बोलो तो अगर आप देखेंगे टाइगर हुआ, लोयन हुआ, ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल ही है, लेकिन गाय हुआ, भैंस हुआ, ये डोमेस्टिकेटेड है। अब अगर बात करें किसकी, सुअर की, पिग की, स्वाइन की, स्वाइन में कुछ स्पीशीज है जो अपने आप में क्या है, जो अपने आप में डोमेस्टिकेटेड है, उनको पालना बहुत आसान है, बट देयर आर स्पेसिफिक स्पीशीज जो क्या अपने आप में वाइल्ड है। वो देखा ना खेत में जो सुअर घुस जाता है, भाई साहब खेत में घुसा होता है और आप अपने खेत में नहीं घुस पाते डर के मारे, क्यों, क्योंकि वो वाइल्ड है, उसे पालना आसान नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन ही नहीं मानेगा उसे कैसे पाल लोगे यार, है ना। तो जैसे देखो ना गाय को पालना बहुत आसान होता है, यही भैंस का मेल जो होता है, सांड कह दीजिए, बुल कह दीजिए ना, सांड को पालना कितना मुश्किल है, तुम बोलोगे इधर आ, वो आएगा तो उसी बटैसे करके आ जाएगा, ठोकेगा भाई साहब, दिक्कत कर देगा, है ना। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, कुछ को पाला जा सकता है, कुछ को नहीं। तो यहां पे बोला तसर, एरी और मूगा जो है ये नॉन मलबरी सिल्क है, जो अपने आप में वाइल्ड है नेचर के अंदर, और इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें वन्य सिल्क भी कहा जाता है। वन्य वर्ड तो आप लोग जानते होंगे ना यार, वन्य हिंदी का वर्ड है, वन्य का मतलब ही क्या हो गया, वो जो वाइल्ड है अपने आप में, ठीक है।
आगे बात करते हैं वन बाय वन किसकी आपके सिल की, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सेरिकल्चर से जाएगा, तो प्लीज नोट्स पढ़ना, उसके अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है। क्विज को अटेम्प्ट करना, कोशिश तो यही है कि 30-30 मिनट्स में आपको एक एक नंबर देके जाएंगे, तो एक घंटे के दो सेशन आपने लिए, एक एप्रीकल्चर का लिया, सेरिकल्चर का ले रहे हो, नंबर दो पक्के हो जाएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। राइट, ओके। मलबेरी सिल्क वर्म की बात करते हैं, मलबेरी सिल्क वर्म जो है मेजर प्रोड्यूसिंग सिल्क इज मलबेरी सिल्क। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, मलबेरी सिल्क का होता है। मलबरी सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म जिसका नाम क्या है, बॉम्बेक्स मोराई। नाम क्या है जिसका, बॉम्बेक्स मोराई इसका नाम है, विच सोलली फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। ये खाता क्या है, शहतूत की पत्तियां, मलबरी प्लांट पे सरवाइव करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉम्बेक्स मोराई इसका नाम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भी मलबरी सिल्क वर्म का होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद कर लिए, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं तसर की। तसर की बात करेंगे, तसर जिसे तुसा भी कहा जाता है, इस कोपरिश कलर जो इसका कलर है वो कोपरिश कलर जैसा हो गया, कोर्स सिल्क थोड़ा मोटा होता है, बिकॉज फाइबर की बात करेंगे ना, फाइबर जितना पतला होगा, जितना फाइन होगा उतना अच्छा माना जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट फाइन, ये कैसा है, ये कोर सिल्क है मोटा। अरे सर मोटा तो काम का नहीं होता, यस, इसीलिए से गारमेंट्स में ज्यादा यूज नहीं करते। तसर सिल्क इज मेजरली यूज फॉर फर्निशिंग एंड इंटीरियर्स। सर फर्निशिंग इंटीरियर का मतलब, अरे भाई सोफा कवर हो गए, पिलो कवर हो गए, कर्टन्स वगैरह, पर्दे वगैरह हो गए है ना, उसके अंदर सिल्क को यूज किया जाता है। वापिस आता हूं मैं, पहले देख लो, ये आपके सामने दिख रहा है भाई साहब, तो जहां पे नॉर्मल कर्टन 1100-1100 का आ जाता है ना यार, इसका रेट 10,000-15,000 एक पीस का, मतलब पूरी विंडो पे लगाने तो 60,000-70,000 के तो कर्टन ही लग जाते हैं। लेकिन हाँ लग्जरी है ना, लग्जरी का पैसा तो लगता ही है, तो इसको मेजरली यूज किया जा रहा है फर्निशिंग और इंटीरियर के लिए, किसको, तसर को। वाई, बिकॉज ये कोर्स क्वालिटी का मोटा होता है। तसर सिल्क इज जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म एंथेरिया माइलिटा। नाम याद करिएगा, AF4-2021 ने पूछा, एंथेरिया माइलिटा साइंटिफिक नेम है तसर सिल्क वर्म का, जो मेनली सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है किस फूड प्लांट पे, असन एंड अर्जुन पे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस पे वो सर्वाइव करते हैं, तो तसर एंथेरिया माइलिटा है, कोर्स क्वालिटी का है, असन और अर्जुन पे सर्वाइव करता है, जैसे मलबरी सिल्क वो मलबरी पे कर रहा था। आगे चलते हैं, अगला टाइप आया कौन सा आपका, ओक तसर। ओक तसर की बात करते हैं, तो ये फाइनर वैरायटी है तसर की, ये पतला होता है, महीन होता है, जनरेटेड बाय द सिल्क वर्म एंथेरिया प्रोएली इन इंडिया विच फीड ऑन द नेचुरल फूड प्लांट ऑफ ओक। ओक आपने देखा होगा, नहीं देखा तो हिमालयन बेल्ट अगर हमारी देखेंगे, वो ऊपर लेह लद्दाख से स्टार्ट होता हुआ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आ गया और आगे चलते जाएंगे, तो हिमालयन बेल्ट के अंदर ये बहुत दिख जाता है। आपने नहीं देखा तो गूगल पे देख सकते हैं, नहीं देखने का टाइम है तो छोड़िए यार, सीधा याद कीजिए, ओक तसर को इसलिए बोला गया बिकॉज ओक पे सर्वाइव करता है, साइंटिफिक इन्हें आपने याद कर लिया, फाइनर वैरायटी है ये। आगे चलता हूं, अगला आ गया एरी। एरी को एनडी भी कहा जाता है, इरांडी भी कहा जाता है। एरी जो अपने आप में ये मल्टी वोलेटाइल सिल्क है। ये मल्टी वोलेटाइल क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताता हूं, है ना, हम पढ़ेंगे वोलेटिनिज्म क्या होता है और मोलेटिनिज्म क्या होता है, वी और एम दोनों बातें करेंगे, वोलेटिनिज्म क्यों है, मोलेटिनिज्म की भी। फिलहाल आप याद करेंगे एरी जो है अपने आप में मल्टी वोलेटाइल है। एरी सिल्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म, साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है साइंटिफिक नेम, फिलोसेमिया रेसिनाई, दैट फीड मेनली ऑन द कैस्टर लीव्स। तीन ही तो बातें बोल रहा हूं, एक उसका नाम आपको याद रखना है, दूसरा उसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, तीसरा फीड किस पे करता है वो, और चौथा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कोर सिल्क था मोटा था वो पढ़ा आप लोगों ने, है ना, तो इस तरह से नाम साइंटिफिक नेम और सर्वाइव किस पे कर रहा है, ये कैस्टर लीव्स पे सर्वाइव कर रहा है। सबसे लास्ट पे चलते हैं, गोल्डन येलो कलर के सिल्क की बात करते हैं, जो प्राइड है किसका, यस असम स्टेट का। गोल्डन येलो कलर सिल्क इज पेरोगेटिव, पेरोगेटिव का मतलब पहचान है, कुछ अगर आपके पास है तो आपकी पहचान है, ये इंडिया के पास है इंडिया की पहचान है, पेरोगेटिव ऑफ इंडिया एंड द प्राइड ऑफ असम स्टेट, इसे असम का प्राइड भी कहा जाता है। किसको, मूगा को। मूगा की बात करेंगे तो मूगा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेमी डोमेस्टिकेटेड, भाई डोमेस्टिकेटेड जिसे पाला जा सके, वाइल्ड जिसे ना पाला जा सके, ये सेमी डोमेस्टिकेटेड का मतलब क्या है, इन बिटवीन, जिसे बहुत अच्छे से नहीं पाला जा सकता है ना, नेचर में वाइल्ड है लेकिन पाला भी जा सकता है, तो वो सेमी डोमेस्टिकेटेड हो गया। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेमी डोमेस्टिकेटेड मल्टी वोलेटाइल सिल्क वर्म एंथेरिया एसेमिनेसिस।
The silkworm feed on the aromatic leaves. किसकी? सोम एंड सोवालू प्लांट की. तो भाई इसे भी ध्यान रखना, सोम और सोवालू पे सर्वाइव करता है. एंथेरिया सेमिनेंसिस का नाम है, प्राइड है आसाम का, पेरोगेटिव है इंडिया का, नाम है जी मूगा. सिल्कवर्म के टाइप आप समझ गए होंगे, याद हो गया होगा आपको. ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस. तो बात करेंगे डोमेस्टिकेटेड की. सबसे अच्छे से पाला जा सकता है मलबेरी सिल्कवर्म को, इसीलिए मलबेरी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है यार. एंड उसके बाद पाला जा सकता है कि इसको रियर तसर को, बिकॉज तसर की कुछ स्पीशीज, कुछ रेसेस हैं जिनको पाला जा सकता है और कुछ को नहीं पाला जा सकता. तसर की कुछ स्पीशीज यहां पे डोमेस्टिकेटेड में है और कुछ वाइल्ड है. उसके साथ मूगा और एरी जो है ये भी वाइल्ड ही है. आप बोलेंगे सर वाइल्ड है तो फिर पालते कैसे हैं इसे? यार देखो, वाइल्ड का मतलब ये नहीं होता तो फिर पाला नहीं जा सकता. डोमेस्टिकेशन में आसान नहीं है. अब पालने के लिए बोलेंगे तो जंगलों के अंदर जंगली जानवरों को पाला जाता है यार. ऐसा नहीं कि सारे जानवर खुले ही घूम रहे हैं. देयर आर पीपल हु यूज्ड टू स्टे इन फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में रहते हैं, वहां पालते हैं. तो वो अपने आप में इसी तरह से हो गया ना कि वो आसाम, आसाम का वो एरिया जो वाइल्ड पॉपुलेशन है रहते हैं. वाइल्ड पॉपुलेशन मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, इंसानों की बात कर रहा हूं. अब वहां पे जो पेड़ है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, वो खा रहे हैं, वो पल रहे हैं, उससे सिल्क भी मिल रहा है. तो काइंड ऑफ अपने आप में क्या हो गया, वाइल्ड हो गए. लेकिन हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है, हम डे बाय डे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि वो जिसे हम नहीं पाल सकते उसे भी पाला जा सके. फिलहाल याद करिए, मलबेरी और रियर तसर डोमेस्टिकेटेड है. वाइल्ड के अंदर बचे हुए तसर की वजह से मूगा और एरी, ये क्या हो गए, ये नेचर में अपने आप में वाइल्ड हो गए. आगे चलते, मैंने कहा था दो वर्ड की बात करेंगे, मोलिटनिज्म और वोलेटिनिज्म. तो करते हैं बात यार, वोलेटिनिज्म की बात करेंगे तो एक एबिलिटी है. किसकी? इंसेक्ट्स की. उस इंसेक्ट्स में सिल्कवर्म भी आ जाएगा. इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेनी इंसेक्ट ग्रुप टू प्रोड्यूस फ्रॉम वन टू सेवरल जनरेशन इन अ ईयर. एक साल के अंदर एक से लेके बहुत सारी जनरेशन प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोला जाता है, वोलेटिनिज्म उसे कहा जाता है. वोलेटिनिज्म की बात रिलीज हो रही. वोलेटिनिज्म की बात करेंगे तो वोलेटिनिज्म वाले केस में क्या होगा, वोलेटिनिज्म वाले केस में वो एक साल में एक जनरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, दो कर सकता है या मैनी भी कर सकता है. तो अगर वो एक साल में एक ही जनरेशन प्रोड्यूस करता है तो उसको यूनिट यूनिवोलेटाइन बोला जाएगा. अगर दो जनरेशन प्रोड्यूस करता है तो RRBS और या 4020 ने पूछा, उसको क्या बोला जाएगा, बाइवोलेटाइन बोला जाएगा. एंड जो सेवरल या फिर मैनी जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, मल्टीवोलेटाइन बोला जाएगा. तो वोलेटिनिज्म का मतलब हो गया जनरेशन प्रोड्यूस करना. उसके बेस पे तीन टाइप के हो गए, यूनि, बाई और मल्टी. याद हो गया, आसान कॉन्सेप्ट है. उसके बाद आ गया मोल्टिंग, वो तो था वोलेटिनिज्म, ये है मोलेटिनिज्म या फिर मोल्टिंग. मोल्टिंग की बात करेंगे तो मोल्टिंग आपने सिल्कवर्म में तो शायद ना देखी हो, लेकिन स्नेक में देखी हुई है. अब ये मत कहना लड़के के डरा दिया, स्नेक की बात क्यों कर दी, समझाने के लिए बोल रहा हूं. सो इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, मुझे याद है बचपन के अंदर खेतों में जाते थे ना, तो वी सो सो मेनी टाइम्स के खेत में ना स्किन पड़ी होती थी और घर वाले देख के बताते थे कि ये सांप की स्किन है. क्योंकि सांप को जो फास्ट ग्रोथ करनी होती है, किसी भी इंसेक्ट को जो फास्ट ग्रोथ करनी है ना, तो अपनी स्किन की शेडिंग करता है वो. और नई स्किन जब आती है तो एकदम से उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है. उसी तरह से सिल्क वर्म के अंदर भी होता है. क्या होता है? स्किन की शेडिंग. उसे क्या बोलते हैं? मोल्टिंग बोला जाता है. तो बोला गया मोल्टिंग इज द प्रोसेस व्हेन सिल्क वर्म सीज्ड फीडिंग. जब वो क्या करता है, फीडिंग लेना रोक देता है. सीज मतलब रोक देना. तो क्या हो जाएगा, वो इमोबाइल हो जाता है एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर शेडिंग देयर ओल्ड स्किन. पुरानी स्किन को उतारेगा एंड अकोमोडेट करेगा किसको, फास्ट ग्रोथ को. तो स्किन को उतार के फास्ट ग्रोथ करने को क्या बोला जाता है, मोल्टिंग बोला जाता है. मोल्टिंग को मोलेटिनिज्म भी कहा जाता है. सो मोलेटिनिज्म इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल्टिंग्स Throughout the life cycle, silkworm can be classified into. तो silkworm को किसमें classify कर सकते हैं? Silkworm के trimolters हो सकते हैं, tetramolter, pentamolter और कभी-कभी किसी-किसी केस में hexamolter भी हो सकते हैं. कि वो कितनी बार skin की shedding कर रहे हैं, उसके बेस पे 3 बार trimolter, 4 बार, 5 बार और 6 बार आपका hexamolter हो गया. तो ये हो गया आपका molitanism और उससे पिछला हुआ volitanism. आगे चलते हैं. AF4 2021 ने देखो आपके सामने दो क्वेश्चन और ये नीचे तीसरा क्वेश्चन एक पहले दिखा दिया. एक ही पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है यार, छोटे से टॉपिक से. तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये है.
अनवाइंडिंग अगर आप करते हैं किसकी, सिल्क कोकून की, तो सिल्क कोकून की अनवाइंडिंग करने को क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उसे रीलिंग कहा जाता है। और जब बात करते हैं किसकी, सिल्क प्रोटीन की, तो उस टाइम जो AFO21 ने पूछा उस टाइम आंसर सेरिसिन था। लेकिन आप दोनों याद रखिए, जो सिल्क होता है उसमें दो प्रोटीन पाई जाती है, कौन कौन सी दो प्रोटीन, उसके अंदर सेरिसिन भी होता है और उसके अंदर फिब्रोइन भी होता है। सेरिसिन एंड फिब्रोइन आर द टू प्रोटीन ऑफ सिल्क। याद हो गया, रीलिंग किसे बोलते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून तो बोला जाता है रीलिंग। रीलिंग अलग होता है, वीविंग अलग होता है, वीविंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अगला आ गया डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, आपके सामने लिखा हुआ है, कब कब क्वेश्चन पूछे गया। देखो AFO20 RRB20 पीछे भी दिखाया था, AFO20 RRB20 हर साल दो दो क्वेश्चन पूछ रहे इसे यार। सो डिजीज की बात करेंगे, पेब्राइन जो अपने आप में प्रोटोजोअन डिजीज है, क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि भाई जो आपकी लेट्स से फ्लेचायर है ना, फ्लेचायर तो इसे नहीं बोला जाता, सही प्रोनाउंसिएशन की बात करूंगा तो फ्लेकायर बोला जाता है इसे, है ना। सो फ्लेकायर जो है ये अपने आप में क्या हो गया, ये पहला क्वेश्चन तो ये किसकी डिजीज है, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, है ना। तो सही में डिजीज किसकी है, सिल्क वर्म की। या फिर ये पूछा जा सकता है ये किस तरह की है, प्रोटोजोअन है, फंगल है, बैक्टीरियल है, फिर वायरल है, दोनों याद रखिएगा। तो सिल्क वर्म की डिजीज के अंदर कौन आ गया, पेब्राइन जो प्रोटोजोअन है, फ्लेकायर जो क्या है बैक्टीरियल डिजीज है, ग्लाशायर जो क्या है वायरल डिजीज है, और मस्कार्डिन जो अपने आप में कैसी डिजीज है, इट इज फंगल डिजीज। ठीक है, ये हो गई सिल्क वर्म की बीमारियां। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सिल्क वर्म की, जो समझाने वाला पार्ट था। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, जैसे मैंने एक पार्ट नहीं बताया कि कौन से सिल्क का कलर क्या होता है, इसे मैंने नोट्स में ऐड कर दिया, और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं क्विज के अंदर ऐड कर दूंगा। क्विज मैं टेलीग्राम पे कंडक्ट करता हूं, प्लस मैं प्लान कर रहा हूं, आपको बताऊंगा अगर मैं कर पाया तो मैं एक कोर्स बना दूंगा सेपरेट, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोज आती है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जाके ढूंढना पड़ता है, क्विज टेलीग्राम पे ढूंढनी पड़ती है। तो मैं अलग से कोर्स बना रहा हूं, वर्किंग उस पे, जब लाइव करूंगा तो वीडियो के अंदर बता दूंगा, एक कोर्स बना दूंगा स्पेसिफिक, सारी वीडियो वहां पे, उस वीडियो के साथ पीडीएफ भी होगा, उस पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी होगी, तो सब सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। बाकी ऐप पे तो आप लोग हैं ही, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का ऐप डाउनलोड कीजिए और बिंदास सब कुछ वहां पे लीजिए। पेमेंट की बात नहीं है भाई, ये मत कहना प्रमोशन कर रहा हूँ, वहाँ पे फ्री भी बहुत कुछ है, अगर आप जाके देखेंगे ना बहुत सारी चीज़ें हमने फ्री रखी हुई हैं। ठीक है, फिलहाल आ जाते हैं उन क्वेश्चन पे जो पिछले साल पूछे गए हैं, पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं। बिल्कुल आप सही आंसर लिख रहे हैं इस क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क प्रोटीन, जेन प्रोटीन हो नहीं सकती, एल्बुमिन और आइजीन कैरेटिन हो नहीं सकती, आपने अभी पढ़ाई है। सेरिसिन और फिब्रोइन दो प्रोटीन होती है जिन्हें सिल्क प्रोटीन माना जाता है। एंथीरिया माइलेटा इज, प्लीज गलत आंसर मत करना, एंथीरिया माइलेटा कौन है, ट्रॉपिकल मूगा है, टेम्परेट मूगा है, एरी सिल्क है, मलबेरी है, या फिर ट्रॉपिकल तसर सिल्क वर्म है। ए बी सी डी ई राइट आंसर क्या आएगा, AFO21 ने पूछा था, आप भी तो रेडी है AFO23 के लिए, तो लिखिए राइट आंसर क्या आने वाला है, ए बी सी डी या फिर ई, फटाफट से सबका आंसर चाहिए यहां पे। ऑफ कोर्स राइट आंसर की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है ए बी सी डी को छोड़ते हुए कहां पे जाना पड़ेगा, ई पे जाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ के तो आए थे यार, ट्रॉपिकल तसर जिसका नाम क्या है, एंथीरिया माइलेटा। आगे चलता हूं, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकून 21 ने पूछा था, अनवाइंडिंग जो सिल्क कोकून की है उसे क्या बोला जाता है, रिलिंग, वीविंग, गिनिंग, डिलिंटिंग या फिर रेटिंग। हाँ, मेरे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ मतलब ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसे बच्चों ने बताया हमने डाल दिए, तो इस तरह से ऑप्शन नहीं डाले, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से डाले जाते हैं जब पेपर को लेवल का बनाया जाता है, लेकिन इट्स ओके, है ना। हाल फिलहाल मुझे आंसर बताइए, अनवाइंडिंग की बात करेंगे, सिल्क कोकून की अनवाइंडिंग को क्या बोला जाता है। ऑफ कोर्स आप सही आंसर लिख रहे हैं सारे के सारे, रिलिंग विल बी द राइट आंसर। अनवाइंडिंग को क्या बोला जाता है, रिलिंग बोला जाता है। वीविंग तो फैब्रिक को जब क्या किया जाता है, जब फैब्रिक को काइंड ऑफ असेंबल किया जाता है, उस तरह से इकट्ठा किया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए फाइनल उसका प्रोडक्ट, उस टाइम पे वीविंग किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया मूगा सिल्क इज रियर्ड ऑन, पिछले ही साल पूछा गया, और आप मुझे बता दो फटाफट से राइट आंसर क्या आएगा, मूगा सिल्क को किसके ऊपर रियर किया जाता है, सोम एंड सोवालू पे, कैस्टर पे, अर्जुन पे, या फिर शोरवा रोबस्टा पे, या फिर टर्मिनेलिया पे, किस पे रियर करते हैं मूगा सिल्क को, ए बी सी डी या फिर ई, राइट आंसर क्या आएगा। ऑफ कोर्स, है ना, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर विल बी सोम एंड सोवालू, जिस पे मुगा सिल्क को रियर करते हैं। यूपी कैटेट 21 ने पूछा, पेब्राइन इज द इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, पेब्राइन किसकी डिजीज, सिल्क वर्म, हनी बी, लैक या फिर नन ऑफ दिस, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था।
बिकॉज ये पेपर मुझे मिल गया था, है ना। तो राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या आएगा, इट विल बी सिल्क वॉर्म। पेपर नहीं मिला था एक्चुअली, मतलब होता है ना कुछ कुछ बच्चे आके एग्जैक्ट बता देते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड पेपर होते हैं जैसे AFO, तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आप सबने सही आंसर कर दिया। अब मेक श्योर कि नोट्स को जरूर पढ़िएगा, क्विज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा क्या क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता रहता हूं। सो सेरिकल्चर इतना ही था, सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है। नोट्स को पढ़िए, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, मैं मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन मेक श्योर टू स्टडी हार्ड बिकॉज आपको इस साल सिलेक्शन लेना है। सो आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।